नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, हमारे फार्म में चूजे आने वाले थे तो इसलिए हमने फार्म की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें फार्म में चूना बिखेरना, ये वीडियो बना के आपको आप लोगों को दिखाया था। और अब आज 7 अगस्त है, आज हमारे फार्म में चूजे आने वाले हैं। तो चूजे आने से पहले जो तैयारी की जाती है उस वीडियो को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें जो नए फार्मर भाई हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमने विस्तार से वीडियो बनाया है। और जो फार्मर भाई पुराने हैं उनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। कृपया वो भी इस वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो दोस्तों, जब हमारे फार्म में चूजे आने वाले होते हैं तो हम उस दिन पूरे फार्म को बढ़िया ठीक से रेडी कर लेते हैं। और जो चूजे जब लाते हैं तो उनको हम चौकोर जगह पर नहीं रखते हैं, क्योंकि चूजे चौकोर जगह पर रखने से जो कोने होते हैं उस जगह पर ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण चूजे वहाँ के कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए हम सर्कल बनाते हैं उनके लिए। ये चिक्स गार्ड का, जैसे हम इस समय सर्कल दिखा रहे हैं आपको कि चिक्स गार्ड का सर्कल बना रहे हैं, ये चिक्स गार्ड है। दोस्तों, आप लोग भी चाहें तो चिक्स गार्ड का सर्कल बनाएं, या फिर जो टीन की प्लेन चद्दर होती हैं उनको कटिंग करवा कर टीन की चद्दर की के सर्कल बनाएं। हमने टीन के चद्दर के सर्कल बनाए हैं और 2 चिक्स गार्ड के सर्कल हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से चिक्स गार्ड के सर्कल बनाकर आप लोग भी तैयार कर लीजिए, या आपके पास में टीन की चद्दर के चद्दर है तो उसके सर्कल बना लीजिए। ऐसा करके यहाँ पर जब हम चिक्स को डालेंगे तो उनको कहीं पर भी कोना नहीं मिलेगा और वो गोल जगह पर रहेंगे, तो कहीं पर भी चूजे कमज़ोर नहीं होंगे। और हमें सर्कल के चारों ओर घूम घूम कर उनको डिस्टर्ब करते रहेंगे हम उन्हें, ताकि वो फीडिंग करते रहें और बढ़िया से वाटर इंटेक भी करते रहें। तो दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी सर्कल बना लें। और एक सर्कल में जैसे 35 फीट लंबाई की एक टीन की चद्दर है तो उसमें लगभग 500-600 चूजे आएंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी सर्कल बना लीजिए और उसमें चावल का छिलका, जिसको मतलब जो लिटर है बिछावन है तो चावल का छिलका हम लोग बिछाते हैं, तो उन सर्कल में चावल का के छिलके जो ये है भूसी, धान की भूसी जिसको कहते हैं, इसको डाल दें। डालने के बाद में इसको फैला दें पूरे सर्कल में। जैसे देखिए, इस समय जो ये कर्मचारी है, लेबर है, ये इस चावल के छिलकों को सर्कल के अंदर फैला रहा है। इस तरह से पहले तो हम पैर से ही या हाथ से ही ऐसे ही सर्कल में भूसी को फैला देते हैं, फिर उसके बाद में फिर हम झाड़ू की सहायता से खूब सही से बराबर करके एकदम ऊपरी सरफेस को एकदम बराबर कर देते हैं, ताकि ऊंचा नीचा ना रहे। फर्श की जो मिट्टी होती है वह ऊंची नीची हो जाती है, तो उस पर धान की भूसी बिछाकर और झाड़ू की सहायता से हम उसे एकदम बढ़िया बराबर कर लेते हैं, तो ऊपरी सर्कल एकदम प्लेन एकदम बराबर रहता है। तब हम उस पर जब पानी के चिक ड्रिंकर वगैरह लगाते हैं तब वो टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं और पानी उसमें से गिरता नहीं है। देखिए, जैसे झाड़ू से हम इसको बराबर कर रहे हैं। इसी तरह से सभी सर्कल जितने भी गोले बने हुए हैं सब में लीटर को एकदम बराबर से झाड़ू से कर लेते हैं। और इस तरह से लीटर को हम बराबर से कर लेते हैं। इसके बाद में हम इस पर पेपर बिछाते हैं, क्योंकि जब चूजे आते हैं तब वो बर्तन में शुरुआत में ही ठीक से फीडिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए शुरू शुरू में ही हमें टर्बो फीडर नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई टर्बो फीडर लगा देता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो है शुरू शुरू में हमें पेपर पर ही फीडिंग करवाना चाहिए। तो अब हम इन सर्कल में पेपर बिछाएंगे। और पेपर को हम इस तरह से बिछाते हैं कि कहीं पर भी खुला हुआ ना रह जाए, क्योंकि अगर कहीं पर पेपर खुला रह गया है, पेपर पूरा ठीक से लीटर को ढके नहीं है, तब वो जो भूसी है नीचे बिछी हुई है वह पेपर के ऊपर आ जाती है, और पहले ही दिन अगर किसी चूजे ने भूसी को खा लिया तब वो मर जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि पूरा ठीक से हम लीटर को पेपर से कवर कर दें।
और इसी तरह से हम एक तरफ से पेपर बिछाते हुए चले आते हैं और पूरे सर्कल में हम फिर पेपर ठीक से बिछा देते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ठीक से, इसकी जो भी बारीकियाँ हैं उसको ठीक से समझ लें। नए फार्मर भाई अगर इस तरह से करेंगे तो उनको ठीक से प्रॉफिट होगा। बहुत से फार्मर हैं जो शुरू शुरू में फार्म खोलते हैं लेकिन वो ठीक से अगर पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, ऐसे में उनका फार्म बंद हो जाता है। तो इतनी लागत लगाने के बाद में, फार्म बनवाने के बाद में अगर किसी का फार्म बंद हो जा रहा है तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है उसके लिए। इसलिए आप लोग पहले ठीक से इस वीडियो को देखें और इसी तरह से अपने फार्म में तैयारी करें। तो जैसे हमने इन सर्कल में देखिए पेपर ठीक से बिछा दिया है, कहीं पर भी कोई स्पेस खुला हुआ नहीं है और अभी भी ये पेपर ठीक से बिछाया जा रहा है। ऐसे ही हम सभी सर्कल में पेपर बिछाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम अपने फार्म में जो भी सर्कल बनाने होते हैं उन सर्कल को बनाकर फिर उसमें पेपर बिछाकर पूरा काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, चिक्स आने से पहले हमें अपने फार्म में पूरी तैयारी ठीक से कर लेनी चाहिए। जब हम ठीक से पूरी तैयारी किए रहते हैं तो चिक्स जब आते हैं तो वो ठीक से बढ़िया फीडिंग करते हैं, वाटर इनटेक ठीक से करते हैं, अच्छा टेम्परेचर उनको मिलना चाहिए। तो सब सारी तैयारी हम किए रहते हैं। अब इस तरह से हमने अपने पूरे फार्म के जितने भी सर्कल बने हैं सब पर पेपर बिछा दिया है। सभी सर्कल लगभग लगभग तैयार होने वाले हैं और जो बचे हुए हैं उन पर पेपर अभी बिछाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग भी ऐसा ही करें ताकि पोल्ट्री फार्मिंग में अधिक से अधिक प्रॉफिट पाएं। दोस्तों, अब आज 8 अगस्त है, आज हमारे फार्म में चिक्स अभी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। जो डिलीवरी बॉय है जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में चिक्स लेकर आएगा, उसने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था कि अभी हम थोड़ी देर में आपके फार्म पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने फार्म में सारी तैयारी कर लेने के बाद जब चिक्स आने वाले हों, थोड़ा समय बचा हो तो हम उनके लिए पानी लगा देते हैं। तो हमने अपने फार्म में जो चूजे आने वाले हैं उनके लिए पहला पानी जो है गुड़ पानी देना चाहिए। गुड़ पानी देने से उन्हें एनर्जी मिलती है चूजों को, और बहुत देर तक का पानी नहीं लगाना चाहिए। लगभग 4-5 घंटे के पानी में इतना पानी देना चाहिए कि 4-5 घंटे में पानी पी लें। उस पानी में हमने गुड़ भी डाला है। तो बहुत से भाई तो बताते हैं कि 1000 चिक्स पर 1 किलो गुड़ देना चाहिए, लेकिन शुरुआत में ही जब चूजे पहले दिन आने वाले हों तो फिर उनकी इतनी क्षमता नहीं होती है कि उनको 1000 बर्ड पर, 1000 चिक्स पर 1 किलो गुड़ दिया जाए। तो हम तो 250 ग्राम गुड़ देते हैं। 1000 चिक्स पर 250 ग्राम गुड़ देना चाहिए, जितने पानी में वो पी लें, लगभग 5 घंटे के पानी में। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फीड भी लगा देना चाहिए ताकि चूजे आएँ तो थोड़ा फीडिंग भी करें और वाटर इनटेक भी करें। दोस्तों, अब हमारे फार्म पर गाड़ी आ गई है चिक्स को लेकर। तो अब हम अपने फार्म में चिक्स उतार कर अभी रखवाएंगे कैरेट, और डिलीवरी बॉय से पूछेंगे कि एक कैरेट में कितने चूजे हैं। तो इस तरह से हमारे फार्म पर जो भी चूजे आने वाले हैं भी डीसी में देखेंगे तो हम कैसे उनकी काउंटिंग की जाती है, कैसे अपने फार्म में सर्कल के अंदर उनको डाला जाता है, ये सब अभी मैं आपको भी बताऊँगा। आप लोग भी ऐसा ही करें तो अधिक से अधिक प्रॉफिट पाएंगे। दोस्तों, ये जो सर्कल बने हैं, पहले हमने सर्कल बना लिया था और अंदर पेपर बिछा दिया था। इन सर्कल के बाहर बाहर से भी लिट्टर को लगा देना चाहिए, भूसी लगा देनी चाहिए, क्योंकि अंदर की जो भूसी होती है वो किनारों की तरफ से निकलती रहती है। तो अंदर किनारे जो है खाली हो जाते हैं तो उसमें चिक्स दब जाते हैं, और जब चिक्स दब जाते हैं तो फिर वो कमज़ोर भी हो जाते हैं। और गाड़ी पर से उतार कर अब कैरेट अंदर ले जाया जा रहा है,
और इस तरह से हम अपने फार्म में चिक्स को अंदर लाकर एक जगह पर रखते हैं। डिलीवरी बॉय से हमने पूछा है अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे फार्म में कितने चूजे आए हैं, तो उसने बताया है कि 6700 चूजे हमारे फार्म पर आए हैं। हमारे फार्म पर जो चूजे आए हैं उनकी कुल संख्या 6700 है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिलीवरी बॉय से पूछा था तो उसने यही बताया था कि 6700 चूजे हैं। तो इस तरह से प्रत्येक कैरेट में 60-60 चूजे हैं, तो 111 कैरेट अब हमने अपने फार्म में उतरवा कर रख लिए हैं। इस तरह से 6660 चूजे हैं इनमें, और 40 चूजे अभी लूज कैरेट यानी कि जो है उसमें 60 चूजे नहीं रहेंगे, उसमें 40 चूजे रहेंगे, तो 40 चूजे और देंगे। इस तरह से 6700 चूजे हमारे फार्म में हो जाएंगे। और अब मैं अपने फार्म में काउंटिंग करवा रहा हूँ प्रत्येक कैरेट की। दोस्तों, हमें अपने फार्म में अपने सामने काउंटिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो काउंटिंग होके हैचरी से आते हैं, लेकिन अपने सामने काउंटिंग करवा लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इससे एकदम पता चल जाता है कि किसी कैरेट में कम चूजे तो नहीं हैं। अगर कम चूजे रहते हैं तो उसको फिर पूरा करके डिलीवरी बॉय देता है। इस तरह से जो यहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग निकलेगी वही काउंटिंग मानी जाती है। और हम जब कैरेट की काउंटिंग करवा कर उनको इन सर्कल में जब डालते हैं कैरेट से, तो हमें चाहिए कि हम खूब ठीक से उस समय इनमें देख लें कि कोई चूजा वीक तो नहीं है, कोई कमज़ोर चूजा तो नहीं है, कोई लंगड़ा तो नहीं है, कोई अंडरवेट तो नहीं है। इस तरह से हमें खूब ठीक से देख लेना चाहिए कि अगर कोई कमज़ोर चूजा है, 35 ग्राम से कम का चूजा है या लंगड़ा है, तो उसको निकाल कर अलग रख देना चाहिए। फिर उनके बदले में हमें अच्छे चूजे डिलीवरी बॉय देता है और उन कमज़ोर चूजों को वापस लेकर चला जाता है। और दोस्तों, जब भी हमारे फार्म में चूजे आएँ तो हमें अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। पहले दिन जब चूजे आएँ तो 88 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 90 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। 92 हो, 93 भी हो तब भी ठीक है। इतने फारेनहाइट टेम्परेचर जब रहता है तब चूजे खूब फैल कर पूरे सर्कल में बढ़िया से रहते हैं। अगर ये चूजे एक जगह पर इकट्ठे होते तो समझिए कि इनको ठंडी लग रही है, लेकिन पूरे चूजे पूरे जो सर्कल में हैं ये सब फैल कर हैं, इनको अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है। तो इस तरह से ये ठीक से फीडिंग भी करेंगे और वाटर इंटेक भी करेंगे। जब भी हम काउंटिंग करके कैरेट को लाकर इन सर्कल में छोड़ें तो हमें चाहिए वहाँ पर एक आदमी या दो आदमी रहें जो देखते रहें कि कोई कमज़ोर चूजा तो नहीं है, और कमज़ोर चूजों को उसी समय देख लेना चाहिए और अलग करके रख देना चाहिए, जैसे इस समय किया जा रहा है। देख रहा है ये कर्मचारी कि कोई चूजा कमज़ोर तो नहीं है। दोस्तों, मैं शुरुआत से ही सुगना से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ, और इस बार भी सुगना से ही चूजे आए हैं हमारे फार्म पर। तो ये वीडियो उन सब के लिए लाभकारी है, चाहे जो किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे कोई अपनी निजी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, सबके लिए ये लाभकारी वीडियो है। और दोस्तों, मैं स्वयं एक पोल्ट्री फार्मर हूँ, इसलिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ एक्चुअल वीडियो होता है। और बहुत से यूट्यूबर हैं जिनका अपना पोल्ट्री फार्म नहीं होता है, सिर्फ वह यूट्यूब पर पोल्ट्री फार्मिंग की वीडियो डालते हैं, उनका मकसद होता है यूट्यूब से पैसे कमाना। और दोस्तों, मैं यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं डालता हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए डालता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से बढ़िया से पोल्ट्री फार्मिंग करें, अधिक से अधिक मुनाफा पाएँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब मैं इस समय वीडियो डाल रहा हूँ। तो समय समय पर जो भी उपयोगी वीडियो होंगी मैं डालता रहूँगा, ताकि आप लोग इनको देख कर बढ़िया से पोल्ट्री फार्मिंग करें। दोस्तों, मैंने आपको चिक्स आने के दिन की पूरी जानकारी दी है। चिक्स आने के दिन यानी कि उसको हैच डेट कहते हैं, जिस दिन हैच से चूजा निकलता है वह हैच डेट होता है, उसको जीरो डे कहते हैं, और अगला दिन पहला दिन माना जाता है। तो हैच डेट के दिन हमारे फार्म पर चूजे नहीं आ पाए थे, पहले दिन आए थे सुबह। तो कल का जीरो दिन और आज का पहले दिन का वीडियो मैंने आप लोगों को आज के पहले दिन का वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया, इसके बारे में जानकारी दी।
आज शाम को, यानी जो आज पहला दिन है, आज शाम को मैं इनको लियोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक दूंगा और साथ में विटामिन एस ई दूंगा। सुगना कंपनी अपने फार्मर को ये दवा देती है, तो मैं आज शाम को लियोफ्लॉक्सासिन और सुजीविट एस ई 50 ml प्रति 1000 चिक्स पर दूंगा। दोनों मेडिसिन इसी तरह रहेंगी, 50-50 ml प्रति 1000 चिक्स पर। इस तरह से मैंने हैच डेट की और पहले दिन की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे दी है, और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। कृपया मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।